हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो पर जिसका नाम है मुस्कान। मैं हूँ राज सिंह वर्मा। और मैं हूँ सतनाम कौर। अरे सतनाम, आप तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म लग रही हैं, क्या बात है? बिल्कुल राज, कहते हैं ना राज, जो बदला नहीं वो बढ़ा नहीं। तो बदलाव तो दुनिया का नियम है, बढ़ते रहना चाहिए और बदलते रहना चाहिए। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो बहुत सारे बदलाव आते हैं। कुछ बदलाव हमें एक्सटर्नली दिखते हैं और कुछ अंदर से आते हैं। तो आज इसी बदलाव की कहानियों को हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ हैं कुछ ऐसी शख्सियतें जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव लाए हैं कि अपना ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे सीनियर राजयोगा भ्राता श्री जी बी के सूरज भाई। थैंक यू, वेलकम सर। और साथ में नीलेश्वरी जी जो डायरेक्टर हैं वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रूमिंग एंड पेजेंट्स, वेलकम मैम। थैंक यू। हमारे साथ हैं अंजलि अरोरा जी जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस है, वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं नीलू मिश्रा जी जो कि एक एथलीट है, वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर हमारी रिसर्च टीम क्या कहती है। परिवर्तन संसार का नियम है। संसार शब्द का अर्थ ही है सदा परिवर्तनशील। कहा भी जाता है चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन सबसे पहला परिवर्तन होता है स्व का परिवर्तन। और स्व परिवर्तन के दो पहलू हैं, आत्मा और शरीर दोनों में ही सकारात्मक परिवर्तन। एक नारी का सदा ही संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन आज के समय में स्व परिवर्तन की इस जर्नी में कई चैलेंजेस विमेन को फेस करने होते हैं। महिलाएं अक्सर दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखती हैं, सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट करती हैं और इस प्रक्रिया में अपनी सेल्फ वैल्यू को अंडरमाइन करती हैं। सशक्त महिलाएं नैरो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चुनौती देती हैं, अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करती हैं और आकर्षण की सामाजिक परिभाषाओं को अस्वीकार करती हैं। महिलाएं अपनी वेलबींग को प्राथमिकता देते हुए मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अपनी हॉबीज को अपने जीवन में स्थान देने लगी हैं। कई महिलाएं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से, डेली पॉजिटिव एफर्मेशन से स्व परिवर्तन की जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। एफर्मेशंस महिलाओं के स्वयं को समझने के तरीके को नया आकार दे सकता है। सेल्फ लव की जर्नी में स्वयं के ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाना शामिल है। एम्पावर्ड वुमेन मुखौटे उतार रही हैं, खामियों को स्वीकार कर रही हैं और ऑथेंटिसिटी से सुंदरता सजा रही हैं। और आज हम हमारे सहयात्रियों के साथ खूबसूरत बातें सीखेंगे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीलू जी आपसे। आपकी जर्नी भी बहुत ही सीखने लायक रही है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। जिस एज में हम महिलाएं अपने घर पे बैठ जाती हैं और आराम करती हैं, आपने उस एज में अपना करियर स्टार्ट किया। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया और कैसे आप एक इंटरनेशनल एथलीट बनी और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी लाई। तो चलिए इनका जवाब जानने से पहले नीलू मैम की देखते हैं अभी तक की जर्नी। नीलू मिश्रा भारत के वाराणसी से हैं और उन्हें एक कुशल इंडियन स्प्रिंटर होने का गौरव प्राप्त है। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन ने 100 से अधिक इंटरनेशनल और नेशनल मेडल्स का एक इम्प्रेसिव कलेक्शन प्राप्त किया है। नीलू मिश्रा जी की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज के कारण वह वर्ष 1994 के दौरान भारत की चौथी सबसे तेज महिला एथलीट बन गई। व्यावसायिक रूप से नीलू मिश्रा उत्तर प्रदेश के विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं।
यह भूमिका एक ऐसे रास्ते के रूप में प्रकट होती है जिसके माध्यम से वह सक्रिय रूप से मार्जिनलाइज्ड महिलाओं और बच्चों के कल्याण और उत्थान की वकालत करती है। वाराणसी एथलेटिक क्लब का नेतृत्व करने में उनकी भागीदारी उनके समर्पण के प्रमाण के रूप में प्रतिध्वनित होती है। क्लब के महान उद्देश्य में अंडर प्रिविलेज्ड और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वंचित एथलीट्स का पोषण और सहायता करना शामिल है। नीलू जी के ठोस प्रयासों से उन्हें समाज में गरिमा और सम्मान के साथ एकीकृत करने में मदद मिलती है। मेरे लिए मेरी स्टोरी खुद प्रेरणादायक है। मैंने ऐसे स्थिति में खेलने का फैसला लिया जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप दौड़ेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। कुछ प्रॉब्लम हुई थी 2001 में, मिसकैरेज हुआ जिसके कारण काफ़ी दिनों तक मुझे ब्लीडिंग हुई। उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ कि मेरा हार्ट और किडनी सब कुछ काम करना बंद कर दिया और मैं करीब 6 साल तक दवाइयाँ खाती रही। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता ने तो सुंदर पैदा किया, स्वस्थ पैदा किया, मेरी शादी भी हुई तो मैं ठीक से थी, शादी के बाद बेटा एक हुआ वो तो भी मैं ठीक थी। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है जिसके कारण एक अच्छी एथलीट जिसने स्टेट रिकॉर्ड भी बनाया है और नेशनल लेवल पे करीब 12-13 नेशनल शादी के पहले मैंने खेला और ये लाइफ में क्या जी रही हूँ कि मैं 100 मीटर वॉक नहीं कर सकती थी, घर से निकल के जाने में, ऑफिस में जाने में मेरी सांस फूलती थी। तो लगा कि नहीं, मुझे वापस अगर मैंने बिगाड़ा है तो मैं वापस उसको ठीक करूँगी। और फर्स्ट डे मैंने जब फैसला लिया कि मैं ट्रैक पर जाऊँगी, कि कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं थोड़ा वॉक करना शुरू करो और हस्बैंड ने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं तुम जाओ टहलना शुरू करो, तो एक एथलीट होने के नाते जहाँ शादी होने के बाद ये कह करके मेरा स्पोर्ट्स बंद करा दिया गया कि बहू हाफ पैंट पहन के कैसे दौड़ोगी, लोग क्या कहेंगे, तो वो एक चीज़ थी। और सेकंड चीज़ थी कि पूर्वांचल बनारस में लोगों का कॉन्सेप्ट था कि शादी हो गई तो आप सिर्फ नौकरी कर सकते हो और बच्चा हो जाए तो ट्रैक पर जा नहीं सकते हो। तो मैंने उस पर भी बहुत सारे रिसर्च किए कि ऐसा क्यों है कि हमारे इधर लोगों को इस तरह की छूट नहीं मिलती है। फिर मैंने दिल्ली से, राजस्थान से, केरला के मेरी कुछ फ्रेंड्स थी उससे पता किया, कुछ लोगों ने बताया कि मास्टर्स चैम्पियनशिप होती है और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सिविल सर्विसेज का चैम्पियनशिप होता है, तो मुझे एक पंख मिल गया। मुझे लगा कि ये नीलू तुम्हारे लिए बेस्ट है। फिर मैंने वॉक करना शुरू किया। फर्स्ट डे तो ऐसा लगा कि शायद मेरी जान ही चली जाएगी, 100 मीटर वॉक करने के बाद मैं बैठ गई और मेरे पुराने कोच मिल गए, रामोद भी है जो मेरे साथ दौड़ते थे यंग एज में, तो उन्होंने ये कहा कि देखो बेटे कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। बस इतना उन्होंने एक लाइन बोला कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ये लाइन मेरे दिल में बैठ गई और मैंने 3 महीने में 30 किलो अपना वेट कम किया। जहाँ डॉक्टर्स बोलते थे मेरा ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, सारी बीमारियाँ, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ था, लीवर नहीं ठीक से काम करता था, इन सब चैलेंजेस के बाद मुझे लगा कि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के ही थ्रू। एक दवाइयाँ खा खा के मैं थक गई थी, वो मेरा वो लाइफ नहीं था। बेटा था वो भी मुझे हमेशा बीमार देखता था, घर की ये हालत हो गई थी, सब लोग बोलते हमेशा तो बीमार रहती है, कितनी सेवा करें, कितना इसका देखभाल करें। और मैंने जब 30 किलो वेट कम किया तो फर्स्ट टाइम ये सोचा कि चलो एक बार नेशनल चलते हैं, शायद चलो घूम के आएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, कम से कम बनारस से कोई जाएगा नेशनल लेवल पे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। फर्स्ट टाइम मैंने नेशनल गोल्ड मेडल लिया, 1 गोल्ड 1 सिल्वर था, उसी के बिहाफ पे मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनलैंड में सिलेक्शन हुआ। तो आप जब गए तो आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडल जीत लिया था? फर्स्ट टाइम नेशनल में गोल्ड मेडल लिया और उसी के बिहाफ पे मेरे जो परफॉर्मेंस था मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुआ। वर्ल्ड में मैंने फिनलैंड में ब्रॉन्ज मेडल लिया, तो उसमें 80 कंट्रीज आई थी। तो ये मेरा उसके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स का था और एक नया चैलेंज था। मेरे हस्बैंड बाद में बताया कि जब तुम स्टेडियम जाती थी, क्योंकि 6 से 7 घंटे में मुझे ट्रैक पे देना पड़ा, इतनी बीमारियों के साथ दवाइयाँ चल रही थी। कुछ डॉक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले कि सुबह से शाम तक पूरा फॉलो करते थे मेरी डाइट, मेरा लिविंग स्टाइल, मेरा खाना पीना, दवाइयाँ, तो वो पूरा प्रॉपर सबके गाइडेंस में मैंने मेहनत की और जो मैंने टाइमिंग दी, इंडिया रिकॉर्ड बनाया, मतलब एक इंडिया में एक हलचल चल मच गया मास्टर्स में, एक नया चेहरा कैसे आ गया।
और उसी के एक साल बाद मलेशिया में एशियन चैम्पियनशिप 2010 में हुआ, जिसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए, 1 ब्रॉन्ज मेडल एज ए इंडियन वुमेन टीम कैप्टन। वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि इतने सालों से 700 लोगों की टीम जाती थी जिसमें 350 महिलाएं रहती थी, और पूरे इंडिया से, सोचे साउथ मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब लोग थे, और उसमें इंडिया का फ्लैग लेके मुझे चलने का मौका मिला। तो मेरे लिए एक ऐसी लड़की, एक छोटे से शहर से शादी होती है, जिसने अपने स्ट्रगल से खेलना शुरू किया, लेकिन शादी के बंधन में बंध के वो चीज़ रुक जाती है, फिर बीमारियां आती हैं, बीमारियों के साथ फाइट करके। तो वो दिन मुझे याद आ रहा था कि फर्स्ट डे मैं 100 मीटर भी नहीं चल पा रही थी, और वो दूसरा जो मूवमेंट था कि इंडिया का फ्लैग लेके इंडिया को लीड करना, 700 प्लेयर्स से इसमें वुमेन टीम कैप्टन मुझे बनाया। आपने ये बात इतने कम शब्दों में अभी एक्सप्लेन कर दी है अपनी सक्सेस को, लेकिन आई एम श्योर वो जो जर्नी रही होगी, वो एक एक दिन जो चैलेंज आया होगा, वो बहुत मतलब मुश्किल रहा होगा। मैं ये सच में, क्योंकि लीवर वगैरह में भी प्रॉब्लम थी, पैर में इतने इतने गड्ढे हो जाते थे, एडिमा इतना था, वाटर रिटेंशन बॉडी में हो चुका था, कि मैं जब दौड़ती थी, स्ट्राइड लगाती थी, तो पूरा पैर फूल जाता था, और वो फटता था, इतना दर्द होता था, उस दर्द को सहना मतलब मुश्किल लगता था। कभी कभी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर भाग के आते थे ग्राउंड में। तो बहुत बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए? बहुत नहीं, जब तकलीफ होती थी ना, तकलीफ़ होती थी तो मुझे ये लगता था कि नहीं, कुछ मुझे, जब मैंने शुरुआत की इसको ख़त्म करना है, और ऐसा नहीं था कि दोबारा मैं ट्रैक पे आई हूँ तो बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे, अरे एक मोटी सी औरत है हाफ पैंट पहन के दौड़ रही है, कि बहुत मोटे थे वो बॉडी देख के अभी भी मुझे लगता कि मैं कैसे चलती थी। तो वो सब बातें सुन के घर में आके रोना आता था, बेटा मेरा समझाता था कि मम्मी हाथी चलता है, बाकी लोग बोलते हैं, तुम अपने लक्ष्य को देखो। इनफैक्ट आपने कहावत सत्य कर दी कि लक्ष्य तो मिल ही जाएगा, लक्षण होने चाहिए। आपने अपने लक्षण को पहचाना और लक्ष्य तक पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो लाइफस्टाइल मैंने चेंज की, शायद लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, कि हम क्यों, मैंने कारण ढूंढा कि मेरी स्थिति ऐसे क्यों हुई। शादी होने के बाद एक बहू बन के जीना, दूसरे के लिए ही जीना, अपना मैंने सोचा ही नहीं कि नीलू कौन है, नीलू क्या है, कभी मैंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने जाना या जानने का प्रयास किया, तो मैंने सीधे अपने टारगेट पे ही फोकस किया, और उस वो मैं बनना चाहती थी यंग एज में, लेकिन मैंने इस एज में आके 38-38 साल की उम्र में मैंने पहला इंडिया के लिए मेडल जीता। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, एंड आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं आपसे इंस्पायर होके। मैंने ऐसे ऐसे समय में बात होती है ना कि नेगेटिव स्थितियां आती हैं। 2012 में एशियन चैम्पियनशिप ताइपेई में थी, उसमें हम लोग का लास्ट डे था, उस दिन 2 रिले थे, सुबह का रेस था 4x100 मीटर और शाम का था 4x400 मीटर रेस। वो रेस मुझे कभी नहीं भूलती, 4x100 मीटर रेस में हम लोगों ने सिल्वर जीता, उसमें मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। अब शाम को 3 घंटे बाद 4x4 रिले भी दौड़ना था, उसमें इंडिया टीम में मेरा भी नाम था, और ऐसी इंजरी थी कि डॉक्टर्स ने एकदम पूरा यहाँ पे वो लकड़ी का फ्लैग लगा के प्लास्टर वगैरह सब बांध दिया, और पूरा आइसिंग करके बोला नहीं टोटल रेस्ट करना है। फिर मुझे लगा कि मेरे कारण पूरी टीम एकदम उदास हो रही है कि नहीं, एक हम लोग का मेडल जा रहा है। मैंने बहुत धैर्य से 2 घंटे रेस्ट किया, फिर लास्ट मोमेंट में बोला कि हम दौड़ेंगे, और उस रेस को मैंने 2nd नंबर पे बैटल लिया। मतलब इतना पेन था, शायद उस पेन में कोई चलना भी सबका मुश्किल था। वो पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिली, या पता नहीं ईश्वर का कुछ था, जब मैंने 30 मीटर रेस किया उसके बाद सारा पेन गायब हुआ। वहाँ पे एक स्क्रीन चल रहा था जिसमें लाइव दिखा रहा था, वो ताइपे में लाइव टेलीकास्ट, उसको देख के लगा यार नीलू तुम्हारे ऊपर पूरी टीम का रिजल्ट है। और मैंने उस रेस में सबसे पहले लाके बटन दिया और हम लोग को गोल्ड मेडल मिला। तो ऐसे ऐसे चीज़ें भी आती हैं कि कभी आपको लगता है आपके देश के लिए करना है, आपके पीछे 4 के मेडल जाते, तो उसमें हारे नहीं। हमेशा मैंने मेरी लाइफ का एक ही मंत्र है कि कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, और आखिर हम इंसान ही तो, हम ही तो करते हैं, हमसे पहले कोई अगर किया है तो इंसान ही तो था। तो इसके पीछे आपकी स्टोरी सुन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल टफनेस जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, आप जब मेंटली स्ट्रांग होते हो तो फिजिकल हर्डल्स आपको इतने परेशान नहीं करते। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैंने हमेशा अपने मन को कंट्रोल किया और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया।
आपका एग्जाम्पल बिल्कुल यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। हम सूरज भाई जी से जानना चाहेंगे। सूरज भाई जी, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हम देखते हैं कि लोग दूसरों को देखकर अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, अनफिट जब तक उसकी नाक अच्छी नहीं है। अगर सिर्फ एग्जांपल, मैंने डॉग का एग्जांपल दूंगा, उसका एक पैर बेचारे का एक्सीडेंट में कट गया था और उसको बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके घर पे रखा गया था। कुछ दिनों में 3 पैर से ऐसे चल रहा था, नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही उसने देखा किसी के 4 पैर हैं, अब नॉर्मल महसूस करने लग गया। तो हमारे हम लोगों के बीच में भी कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को देखते हैं, अपने आप को अनफिट महसूस करते हैं, वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म। इनफैक्ट जिम की कहानी है, जहाँ एक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उसको देख देख कर लोग क्रिएटिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टर ले रहे हैं, ताकि मसल को उस तरह से ब्लास्ट किया जाए। तो हम चाहेंगे आपकी राय क्या है, जो आज का दौर है, सर्जरी करवाते हैं लोग, नाक ठीक करवाते हैं, लिप्स ठीक करवाते हैं, दूसरे की तरह सुंदर होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे पहचाने और क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन सही है? जानने से पहले देखते हैं इनके लाइफ के अचीवमेंट आज तक के। 1950 में भारत में जन्मे बीके सूरज भाई ने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से प्रेरित होकर कम उम्र में ही आध्यात्मिकता में अपनी गहरी रुचि का पता लगा लिया। 14 साल की उम्र में एक पत्रिका के माध्यम से उनका ब्रह्मा कुमारी से मिलना हुआ, जिससे उनकी जिज्ञासा जगी और वे 1966 में मधुबन, जो कि माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है, वहां चले गए। उन्होंने ज्ञान अमृत और प्योरिटी मैगजीन्स में योगदान दिया, दुनिया भर में आध्यात्मिक ज्ञान फैलाया और पॉजिटिव प्रैक्टिसेस पर चर्चा की। समाधान टीवी सीरीज के लिए जाने जाने वाले उन्होंने आज का पुरुषार्थ, रूहानी उड़ान, जीवन मूल्य और मुरली चिंतन के साथ स्टूडेंट्स को उनके आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करना जारी रखा। लेक्चर्स, आर्टिकल्स एंड ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से सूरज भाई जी की शिक्षाओं ने कई लोगों को अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिकता और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। पहले तो मैं नीलू बहन को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और बड़ी इम्पोर्टेंट कि इन्होंने किसी को नहीं देखा, औरों ने इनको देखा, बहुत बड़ी चीज हो गई। और आपका जो पूरी आपने एक बड़ी प्रेरक अपनी सच्ची घटना और कहानी सुनाई, मैं तो कहूँगा ये मिलियंस एंड मिलियंस वुमेन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पहले तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि 3 मास में 30 kg वेट, राइट? ग्रेट थिंग। और आपका मनोबल, आपकी बोल्डनेस और आपका निरंतर एक जज्बा आगे बढ़ने का, लक्ष्य को पहुँचने का, हिम्मत ना हारने का और समस्याओं को फेस करने का और उन्हें एक्सेप्ट कर लेने का, ये सचमुच स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। शादी के बाद 14 साल मुझे एक ही सपना आया कि मैं ट्रैक पे दौड़ रही हूँ और मैं विनर हो रही हूँ। सुबह सो के उठते थे पसीने पसीने, हर कोई मजाक उड़ाते थे, तुम अब क्या सपना देख रहे हो, अब खेल छूट गया, भूल जाओ। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो नॉलेज है उसमें विजुअलाइजेशन कहते हैं, और जब मनुष्य का कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है अगर, तब वो कोई ड्रीम देखे, विजन बना ले, जैसे आपने बनाया कि मैं दौड़ रही हूँ और देखो उसका इफेक्ट, बिना दौड़े आपको पसीना आ रहा है। तो ये विजन सचमुच संसार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पिरिचुअलिटी में इसको ऐसे कहा जाता है, लगन के आगे सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ लगन प्रबल है वहाँ विघ्न निर्बल हैं, ये हमें ध्यान रखना। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो क्वींस बनाती हैं, यहाँ पे इंडिया लेवल पे जो ट्रेन करती हैं ब्यूटी पेजेंट्स को, तो उनसे मैं जानना चाहूँगी नीलेश्वरी जी मैम आपसे कि आपका भी जो फील्ड है वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप इस चीज को किस तरह से लेती हैं, मेंटल टफनेस और जो कंपटीशन रहता है उसमें बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही है जो जीत पाती हैं। आइए इनके जीवन की कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं। नीलेश्वरी जी WIGP वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रूमिंग एंड पेजेंट्स की फाउंडर और डायरेक्टर हैं।
जिसमें आप पेज एंड ग्रूमिंग ट्रेनिंग, होलिस्टिक पर्सनालिटी एनहेंसमेंट एंड टोटल वेलनेस पर फोकस करते हैं। आपने कई रोल्स जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर, चीफ जूरी, चीफ ग्रूमर और शो डायरेक्टर बखूबी निभाया है। आपने वक्त की पुकार टाइटल्ड शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस की है, जो कि काली माँ पर पिक्चराइज है और यूथ में काफी प्रचलित भी है। आपको विमेन एम्पावरमेंट, अवेकनिंग और होलिस्टिक वेलनेस में योगदान के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया है। ऊंची हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, ऊंची हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पर नहीं हौसले मजबूत होते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर मंजिलों पर जरूर पहुंचते हैं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त से लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। और मेहनत करो तो इतनी करो कि खुदा बोले, कुदरत बोले, जा बंदे तेरा हक बनता है ले ले। सो क्या बात, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हमने बोला उड़ती है दुनिया, उड़ाने वाला चाहिए। पर स्वयं के अधिकारी बनिए, बी अ मास्टर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू आर इन सेल्फ मास्टरी द वर्ल्ड विल कम टू योर फीट, एंड व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू योर फीट टेल देम इट्स अ ट्रेसपास इज नॉट अलाउड। आप चुपचाप लोगों के दिलों में प्रवेश करिए, दिलों को जीतिए और दिलों पे राज करिए, क्योंकि जब आप दिलों पे राज करेंगे तो आप यूनिवर्स पे राज करेंगे। तो हर लड़की सपना लेती है उस क्राउन का कि मुझे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया बनना है, पर उसकी शुरुआत सेल्फ मास्टरी से होती है। आपको अपने स्वयं पे विजय पानी है। सो क्वीनहुड इज लार्जली अबाउट परफेक्ट पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्यूटी, जहाँ पे आपकी आंतरिक सौंदर्य और बाहरिक सौंदर्य का एक परफेक्ट सिनर्जी होना चाहिए। आपको कोई क्वीन बनाने नहीं वाला है, आप एक्चुअली में क्वीन है, बट आपको वो सारी सशक्तिकरण, वो जागृतिकरण अपने में लानी है, जिससे कि आप उस मापदंड में खरे उतर सकें। इट इज द इनर कॉलिंग, आपको अपने मापदंड में खरा उतरना है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट रीचिंग योर ओन सेल्फ, गेटिंग टू योर इनर कॉलिंग, एंड अपने आप को आप रीस्ट्रक्चर, रीडिजाइन, रीप्रेजेंट, री इंजीनियर एंड रीफॉर्म करते जाइए। इन शॉर्ट, आपको क्षण प्रति क्षण आपको निर्माण करना पड़ेगा, अपना पुनर्जन्म करना पड़ेगा, अपने आप को रिक्रिएट करना पड़ेगा। पर जितना इजीली हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि वो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, बट जब हम एक्चुअल सिचुएशन में जाते हैं तो हमारे चारों तरफ एक चक्र चल रहा होता है माइंड के पीछे कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब भुला के प्रेजेंस ऑफ माइंड में कैसे आना है, ये मैं सूरज भाई से बाद में पूछूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अंजलि जी इस पे आना चाहूंगी, क्योंकि आपकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है और उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। आइए इनके जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं और इनकी अचीवमेंट्स देखते हैं। अंजलि अरोरा एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस है। आपने दिल्ली में 5 साल दूरदर्शन के सीरियल्स जैसे एक अनार 100 बीमार और बंधन करने के बाद मुंबई प्रस्थान किया और सुप्रसिद्ध टीवी सीरियल शक्तिमान से आपकी पहचान बनी। 2017 में अचानक बेटे की डेथ से आप बहुत टूट गई थी, लेकिन 2018 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने पर स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन की सहायता से आपके जीवन ने बहुत अद्भुत रुख ले लिया। आप निस्वार्थ भाव से कई ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा आपने कई और सोशल वर्क्स भी किए हैं और आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, और मुझे तो ये था बस मैं ज़िंदगी जी रही हूँ और हस्बैंड के साथ बिज़नेस में साथ देती थी, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा जैसे बिज़नेस में है, कोई पैसे नहीं देता, लेट देता है, तो मैं साथ में चली जाती थी कि चलो चलो मैं निकलवाती हूँ पैसे, और मैं जाती थी धम से आके बैठ के, चलो जी, लाइक छोटी छोटी बातें इस तरह की चलती रहती थी। फिर एक पार्टी थी, दूरदर्शन के कुछ लोग मिले वहाँ पर,
तो उन्होंने बोला तुम इतनी नॉटी हो और ये है वो है। मैंने कहा नहीं, वो देखो ना कैसे एक्टिंग करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। कहते हैं सब कहने की बात है, आप कैमरा फेस करो तो आपको पता चले। खैर एनीवेज मैंने बोला इसमें क्या बड़ी बात है। तो अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, ऑडिशन लिया, एक्टिंग फील्ड में आ गए। उन्होंने एक सीरियल दे दिया, मिस मोर का करेक्टर था, दूरदर्शन के सीरियल उस समय आते थे, प्राइवेट चैनल स्टार्ट नहीं हुए थे। तो एक 13 एपिसोड का सीरियल आ गया, मेन लीड में आ गई। तो उस समय बहुत सारे यूनिट में लोग मिले तो बोलते हैं, उन्होंने भी झाड़ के पेड़ पे टांग दिया सीधा कि आप बहुत अच्छी कर रही हैं, इतने फर्स्ट टाइम में आप इतना अच्छा कर रही हैं, घर बैठे ऑफर आने शुरू हो गए। अब जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो आती है, मेरे प्रोफेशन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सब कुछ चल रहा था, मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो कि प्रोफेशन से क्रिमिनल लॉयर बन चुका था, छोटा बेटा भी पढ़ रहा था। 2017 में अचानक से मेरे बड़े बेटे को गणपति बिठाया था विसर्जन के बाद, उसका कुछ बीपी लो हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जस्ट सिंपल चल के गए थे ब्लड टेस्ट कराने, संडे था, लैब्स बंद थी, तो पास में एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल है, घर के एकदम पास था इसलिए उसमें चले गए। लेकिन वो तो फिर सारे टेस्ट करते हैं, गए थे, रिपोर्ट सब नॉर्मल थी उस समय, तो बीपी सिर्फ लो था। तो उन्होंने कुछ एक दवाई दी, पता नहीं वो दवाई का रिएक्शन हुआ क्या हुआ, मैं आई बैठी, जोत जला के बैठ गई। सडनली रात के 12 बजे वो जोत बुझ गई और मेरी फ्रेंड बैठी थी भी घर में, सब आए हुए थे एक दो जने सिंपैथी के लिए कि भी इसको थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो जोत बुझी, मुझे लगा कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। फिर अल्टीमेटली 2-3 बजे का टाइम था, मेरे अंदर का वो निकलना शुरू हुआ। मैंने बोला मैं मीडिया, और मुझे कोई आईसीयू में से बाहर भी नहीं निकाल रहा, आईसीयू में अलाउड नहीं है इतने देर तक रुकना, कोई नहीं बोल रहा कि आप बाहर जाओ, कुछ है। मंडे हो गया था उस दिन, तो ना कोई डॉक्टर से बातचीत है। मैंने बोला आईसीयू में ही, मैंने उनको बोला मैं अभी मीडिया बुला रही हूँ, मैंने फ़ोन किया आईसीयू से कि मीडिया, एक ऐसे ही फ़ोन किया कि आप किसी को जो मेरे नोट की मीडिया को आप भेजो यहाँ पे। तो बोले चल चलो चल चलो बाहर, चलो बाहर चलो, यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। बाहर निकाला और मुश्किल से 20 मिनट में उन्होंने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं यहाँ के आपको ये बता रही हूँ कि हमें ज़िंदगी में, अब देखिए लाइफ किसकी कितनी है किसी को भी नहीं मालूम। कई लोग सोचते हैं कि यार अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, हाँ जान लेंगे क्या शक्ति है, क्या है, कितना जीना है। कोई बताने वाला नहीं है हमको, कोई बताने नहीं आएगा, ये हमें ढूंढना है अंदर। सबको पता है, एवरीबडी नोज कि हम आए हैं, हमने जाना ही है, सबको पता है, फिर भी भाग दौड़ सबकी चालू है। तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो आपको एक जीने का आपका मकसद ही पूरी तरह से बदल देती हैं। अभी भी मुझे लगता है कि जैसे मैं यहाँ आने वाली थी, आने से पहले 4-5 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आ गया एक करेक्टर के लिए, कि अच्छा करेक्टर था। मैंने 5 मिनट सिर्फ बैठ के सोचा कि मैं ये करेक्टर करूँ या वहाँ जाऊँ। फिर मैंने विजुलाइज़ किया कि मैं करेक्टर कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अगर ये करेक्टर कितने दिन का करूँगी, मैं एक पैसा मिलेगा मुझे, बस आएगा वो करेक्टर, कौन से चैनल पे आएगा, होएगा, देख खत्म। बट इट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन, मैं यहाँ आऊँगी ये मुझे संतुष्टि देगा। तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया, मेरे लिए संतुष्टि, मेरे लिए आंतरिक सुख। तो मुझे, मैंने इमिजिएटली मैंने कहा नहीं, मैंने उनको ना बोला कि नहीं मेरे ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बस। तो अब मुझे एक तरह से ये समझ में आया कि मुझे आंतरिक सुख और इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। राइट। हसरतें आज भी पता पूछती है मेरा, पर मैं पुराने पते पर नहीं रहता या रहती। तो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया जो भी इंसिडेंट आया उससे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि हम अपने आप को कहीं ले जाएं। आपने कहा कि एवरी स्टेज कुछ ना कुछ हम अपने आप को विनोवर करते रहें, दैट इज द मेन पर्पस। तो अपने आप को ट्रांसफर करें और हसरतें खत लिखें, लेकिन मैं उस पते पर नहीं मिलूंगी या मिलूंगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक अवेज आई फील इन टुडेज डिस्कशन, बीइंग द विनर इन रियल लाइफ, हम अपने इमोशंस पे ही विजय नहीं प्राप्त कर पाते। हमने काफी लोगों से उनकी कहानी पूछी, उनके ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज पूछी, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। ओम शांति। मेरा नाम पूनम राय है, मैं बीआर फाउंडेशन संस्था की संचालिका हूँ, 2 times वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और एक छोटी सी चित्रकार हूँ। मैं बीएचयू से 95 में ग्रेजुएशन की हूँ।
उसके बाद ऐसा लगा कि जीवन में बहुत कुछ करना है, तो दुर्भाग्यवश मेरी शादी होती है और ससुराल वालों ने दहेज के खातिर मुझे थर्ड फ्लोर से नीचे फेंक दिया था, तो मेरी स्पाइनल इंजरी हो जाती है और मैं 17 साल ऑन बेड रहती हूँ। ईश्वर की, बाबा की कृपा है कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा लगता है जब आप किसी को एक राह देते हैं और बच्चा उस राह पे चलता है। मुझे अच्छा लगा कब, जब BR फाउंडेशन से बच्चे नेशनल ओलंपिक तक जाने लगे, तो वो अच्छा लगा ना कि चलो मेरा पैर नहीं तो मैं किसी के पैर के सहारे चलते रही हूँ ना, वो बच्चे आगे बढ़ते तो मुझे ऐसा लगता है मैं बढ़ रही हूँ। कुछ महिलाएँ मेरे से जुड़ी और बोली कि पढ़ाई लिखाई छूट गया है, मुझे भी थोड़ा सा डांस करने का शौक है, क्या आपने यहाँ डांस क्लास चला सकती हैं? हमने जरूर चला सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों से बोले कि हम तो डांस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम खड़े नहीं हो पाते, वॉकर से ही चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक टीचर को रखूँ और मैं डांस भी सिखाऊँ। तो आज अच्छा लगता है कि 5 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं को आप डांस भी सिखाती हैं, उनके चेहरे पर खुशी देख रही हैं, उनको वो चीज़ दे रही हैं जो उनको चाहिए। तो मेरा ये जीवन सार्थक तब होता है जब मैं किसी के लिए काम आऊं। अपने लिए तो सब कोई जीता, अपने लिए तो सब कोई करता है, जब दूसरों के लिए करते वो खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुंह पे कभी भी कोई किसी की बुराई नहीं करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। तो अपनी पीठ तो हम खुद ही नहीं देख पाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए अपने पीठ पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। अभी हाल ही में मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट में बुलाया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर शिल्पा सेट्टी मैम थी, किरण खेर मैम थी, उन लोगों से भी सीखी जानी कि ज़िंदगी में कैसे होता है। और उस स्टेज पे जाना मेरे लिए बहुत ही कठिन था क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, उस समय डर रही थी, नर्वस हो रही थी कैसे करूँ, लेकिन वहाँ तक गई। वहाँ पर भी मैं किसी को मोटिवेट करने ही गई थी, प्रियंका को। तो ऐसा लगता है ना कि चलो देश विदेश से लोग बुला रहे हैं कुछ करने के लिए, तो आपका जीवन सार्थक है। आप बस 4 दीवारी में बैठे रहते, कुछ नहीं करते, तब दुख होता, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं। आज स्पाइनल इंजरी के कारण मैं वॉकर से चलती हूँ, D11 D12 कॉर्ड जो है दबे हुए हैं, जिसकी वजह से पैरों में सेंसेशन नहीं है, कमर के नीचे का भाग पूरा सुन है। आज भी चीटियाँ काट के चली जाएंगी मुझे फील नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग सही है ना, मन सही है ना, भावनाएं सही है ना। लोग तो पता नहीं मन में क्या रखते हैं, दूसरे के साथ क्या करते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं किसी के लिए अच्छा करूं ये मुझे करना है। आज के डेट में मेरी मम्मी भी नहीं है, 2 साल पहले मेरी मम्मी एक्सपायर की, पापा भी नहीं रहे, जो मेरे कुछ अपने थे वो मेरा साथ छोड़ दिए, लेकिन फिर भी जी रही हूँ और जीना भी है। मेरी एक बेटी है जो मास कॉम कर रही है, लोग कहते हैं कि आपकी एक बेटी है, बेटी तो है लेकिन मेरी एक बेटी नहीं, मेरी लाखों बेटियां हैं। मैं ऐसे ने कितनी लाखों बेटियों के लिए माँ बनी हूँ। मैं सबके जीवन में एक सागर की तरह बहना चाहती हूँ, सागर की तरह रहना चाहती हूँ, मिल के। जैसे कि पानी में आप चीनी डालते हो, मिश्री डालते हो, घुल जाता है ना, उस तरह मेरा जीवन है। मैं सब लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। जब एक बार की बात है, जब हमें लोग बोला कि आप नहीं चल सकती हैं, तो मैंने बोला कि मैं चल के दिखाऊंगी। अब मैं मनाली के चोटी पे जाके मनाली में लॉन्गेस्ट लाइव पेंटिंग मैराथन का रिकॉर्ड बनाई, 50 फीट के कैनवास को कलर किया और आज वो पेंटिंग सुमार है वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में। दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र से हूँ, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो प्रधानमंत्री हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत सारा काम किए, तो मैं भी उनसे मोटिवेट है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई जो कि 6 फुट के कैनवास पे 6 फुट 8 फेस महिलाओं के मैंने बनाए, जो एक बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेके जो वृद्धावस्था तक की जो फीलिंग रहती है उस महिलाओं की, उसको क्रिएट किया। और वो मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि मैं 17 साल बेड पे रहने के बाद वो पेंटिंग बनाई और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में नाम उसका दर्ज है। लेकिन आज भी वो सपना अधूरा है, जब तक मैं वो पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री को नहीं दूंगी तब तक बैठने वाली नहीं हूँ, और मेरी तमन्ना आगे ऐसे कायम रहेगी। इस जीवन को इतना सार्थक इतना अच्छा बनाना है कि लोग मुझे देख के, मैं लोगों को देख के जीऊँ, लोग मुझे देख के जिए और ये समाज में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनूं। और क्या कहूँगी, ओम शांति।
जब हमारा लो पॉइंट आता है तभी हम एक बदलाव की तरफ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर क्यों नहीं हम अपनी लाइफ को ऐसा बना लें, सिचुएशंस बाहर कैसी भी हो फिर भी हम डगमगाए नहीं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। तो सूरज भाई साहब, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं कि हम क्यों उस बदलाव का वेट कर रहे हैं? तो एक्चुअली लो पॉइंट पे जाके ही इम्प्रूव करना या अपने को चेंज करना वो तो कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले लोग जहाँ वो हैं वहीं से इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, बदलाव शुरू कर देते हैं। ये मतलब हजारों लाखों की कहानियाँ हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब वो एकदम नीचे चले गए रहते, कहीं से सहारा मिले, स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, कोई गुड फ्रेंड मिले, तो भगवान उनके लिए गुड फ्रेंड बन के आ गया, वो भी अपने उनकी एक कहानी होती है। और नीचे से जब मनुष्य ऊपर जाता है तो शायद उसको वैल्यू भी उस ज्ञान की कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन अधिक लोग वहीं से जहाँ से वो जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से अपने में चेंज लाना शुरू कर देते हैं। और वो उनके लिए क्या होता है, लो जाके फिर चढ़ना, तो वो जो बीच का रास्ता था वो भी तय करना पड़ेगा, और जो वहीं से चढ़ना शुरू कर दिया तो वो तेजी से आगे बढ़ते ही जाते हैं। फाइनली सुरेश भाई जी ने बहुत अच्छा समअप किया, मनोबल, हमारा मनोबल थोड़ा सा बेटर होता है। अंदर से अपने आप को हर रोज देखें, अगर थोड़ा बेटर कर रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी विनर्स, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स, दैट इज द रियल डेफिनेशन। फाइनल आउटकम जो भी होगा दैट्स ओके, वी नीड टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज उसके काफी वजह हो सकती है, मे बी समथिंग बेटर इज फॉर मी, कोई अच्छा होने वाला है, कोई दूसरी चीज हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है, या फिर हमने अपना बेस्ट दे दिया, दैट इज इनफ। सो आई थिंक दिस इज माय लर्निंग एंड थैंक यू आप सभी का, आपने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की, हमारे ऑडियंस के मन तक पहुंचेगी ये बात, उनको टच करेगी और कहीं ना कहीं उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे सब लोग अपने वीक पॉइंट में आके, एक लो पॉइंट में आके अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, लेकिन जैसे सूरज भाई जी ने कहा कि अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी आपको उन दिनों में स्ट्रांग रखने की एक हिम्मत देगा, तो उस दिन का वेट मत करिए। एक बहुत अच्छी रिसर्च है, 1% थियरी, एवरी डे एटलीस्ट 1% इम्प्रूव करो। उन्होंने रिसर्च की है काफी लोगों पे, सचिन तेंदुलकर हो, कपिल देव हो, इतनी सारी सेंचुरीज एक साथ तो नहीं बनाई, लेकिन हर रोज उन्होंने थोड़ी मेहनत की, 1% थियरी, 1% भी अगर थोड़ा भी काम करते हैं तो दे हैव चेक्ड Most of the people, they were very happy. They transformed themselves. तो आज की लर्निंग हमारी बहुत अच्छी रही, आप सबकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ, एंड आई एम श्योर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हुए होंगे। तो ऐसी और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज और अच्छे अच्छे एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए एक प्यारी मुस्कान के साथ नमस्कार। ये जीवन बदलने के लिए, बदलने के लिए जो गम है, खुशियों के लिए, खुशियों के लिए। It's time to wake, it's time to rise, it's time to shine and fly। कभी आंधियों में रुक जाना ना, कभी मुश्किलों से घबराना ना, कभी आंसुओं में बह जाना ना, कभी रास्तों में खो जाना ना, कभी आंधियों में रुक जाना ना, कभी मुश्किलों से घबराना ना, कभी आंसुओं में बह जाना ना, कभी रास्तों में खो जाना ना। Ho 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 ho
गलतियों को समझेंगे हम, फिर न किसी से रूठेंगे हम। है संसार शिक्षक हमारा, हर किसी से सीखेंगे हम। और सच्चाई से जीवन जिएंगे हम, साहस भरी सोच हमारी मन के बंधन से छूटेंगे हम। हर दिन बेहतर बनते जाए, खुद को हम गुणों से सजाए, जीवन में रुक जाना ना, कभी मुश्किलों से घबराना ना, कभी आंसुओं में बह जाना ना, कभी रास्तों में खो जाना ना, कभी आंधियों में रुक जाना ना, कभी मुश्किलों से घबराना ना, कभी आंसुओं में बह जाना ना, कभी रास्तों में खो जाना ना। होना नहीं मजबूर, बदलेंगे हम जरूर। होना नहीं मजबूर, बदलेंगे हम जरूर।